नमस्कार, आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 16 और ये भावार्थ रत्नाकर के श्लोक हैं और हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, अर्थात पहले ही अध्याय में हैं। आप लोग को पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ने का इच्छा हो रहा हो कि हम मिलकर के पढ़ें तो नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक को ही पढ़ते हैं कि क्या लिखा है श्लोक में। कहते हैं मेष जातस्य भौमस्तु। अब भौम इतनी बार बोल दिया हमने कि आप लोग समझ गए होंगे भौम का मतलब मंगल है। अष्टमस्थो न योगतः, कि मंगल जो है अष्टम स्थान में योगप्रद नहीं होता है, यही कहना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक मेष लग्न की पत्रिका बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमको जो कोई भी देखते हैं पाठ के माध्यम से सुनते हैं उनको अब पत्रिका बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। मेष लग्न होगा तो क्रमशः उसके बाद जो राशियां हैं उसको रखी जाती हैं। अब ये मेष लग्न की पत्रिका हो गई, ये लग्न हो गया। अब कहते हैं कि मेष जातस्य भौमस्तु, उसके बाद कहता है अष्टमस्थो न योगतः। अगर यहाँ अष्टम में मंगल आ जाए तो ये योगप्रद नहीं होता है। अभी तक जो पीछे हम लोगों ने मंगल को योगप्रद पढ़ा था तो वो इस परिस्थिति में योगप्रद नहीं होगा, ये तो हमारे समझ में आता है क्योंकि लग्नेशी आठवें में स्थित है। अब ये स्वराशि का है, आठवां स्थान जरूर मजबूत हुआ लेकिन लग्न कमजोर हो गया। अब ये मंगल दो तरह की बात आप लोग यहां समझिए, एक होता है भावेश और एक ग्रह। अब भावेश क्या करता है, ये तात्कालिक प्रभाव रखता है और ग्रह जो है ये नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों गुण रखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि भावेश मंगल अष्टम में है तो 6, 8, 12 में किसी भी भावेश का जाना अच्छा नहीं है। अब मंगल स्वराशि का होकर के अष्टम में है तो यहाँ फिर इस भाव के लिए, चूंकि आठवें का भी स्वामी मंगल है तो आठवां मजबूत हो सकता है। अब किसी भी ग्रह का, अब ये नैसर्गिक की बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रह का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में जाते हैं तो वहाँ वो अपने कारकत्वों की हानि कर जाते हैं। इसीलिए नैसर्गिक रूप से भी यदि मंगल आठवें स्थान में चले गए तो ये योगप्रद फल नहीं प्रदान करेंगे। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब कहते हैं रवि शुक्र समायुक्तः, कि यदि यहाँ रवि अर्थात सूर्य और शुक्र भी स्थित हो जाए तो कहता है स्वल्प दश्च भविष्यति, थोड़े अच्छे फल जरूर कर देंगे। अभी रवि शुक्र समायुक्तः कि रवि और शुक्र से युत हो जाने के बाद थोड़े ही अच्छे फल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ रवि तो पंचमेश है, ये त्रिकोण और ये केंद्र इसके स्वामी हो गए एक साथ। अगर ये त्रिकोण है और ये शुक्र केंद्र इसके स्वामी हो गए मंगल के साथ, तब तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग लेकर के अच्छा फल करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सूर्य भी अष्टम स्थान में गया तो उसकी भी हानि होगी, शुक्र अष्टम में गया उसकी भी हानि होगी, और केंद्र त्रिकोण राजयोग यदि 6, 8, 12 में बन रहा हो तो उसका फल बहुत ही कम कहना चाहिए। अब यहाँ रवि शुक्र को ही क्यों लिया गया ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग यही भूल कर जाते हैं कि आठवें स्थान में सूर्य मंगल तो अशुभ ग्रह है, चला गया दुख स्थान में तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा फिर हम लोग क्या कहने लगेंगे कि शुक्र की दृष्टि अपने घर के ऊपर है, ये धन के ऊपर दृष्टि है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ सूर्य और मंगल की भी तो दृष्टि धन के ऊपर है तो ये भी तो गलत हो गया ना। चूंकि सबसे पहले यदि
हम हमेशा कहते हैं कि पहला ही नियम लग जाए कि भाव बलवान है, तो उस भाव से संबंधित फल को अति पीड़ित नहीं कहना चाहिए या बहुत कम करके नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ चूंकि शुक्र अपने घर को धन स्थान को देख पा रहा है और शुक्र जिसके साथ युत है वो सूर्य और मंगल है, इसीलिए कहते हैं कि स्वल्प दश्च भविष्यति, कि थोड़े अच्छे प्रभाव वो दे पाने में सक्षम होंगे। जबकि इस पत्रिका में मंगल बहुत ही शुभ ग्रह कहेंगे तात्कालिक, सूर्य मंगल से भी ज़्यादा शुभ क्योंकि पहले से ज़्यादा दूसरा त्रिकोण जो पांचवां स्थान है वो मजबूत होता है, और ये अशुभ ग्रह होते हुए भी चूंकि त्रिकोण के स्वामी हैं इसलिए तात्कालिक रूप से शुभ कहेंगे, तो वो भी यहाँ चले गए तो उसकी भी हानि हो गई। तो जब आपके दो केंद्रों के स्वामी यदि अष्टम में चले जाए और हम ये कह दें कि ये योगप्रद फल देगा तो यहाँ बड़ी भूल होगी। अब इसी व्याख्या में आप समझिए कि यहाँ चूंकि शुक्र सूर्य के साथ शुक्र है तो शुक्र अस्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ शुक्र अस्त है तो और भी कम फल प्रदान करेंगे, और यदि शुक्र अस्त नहीं है तब तो जो लिखा गया है कि कम फल प्रदान करेंगे, स्वअल्प दश्च भविष्यति, कि थोड़े फल ही भविष्य के लिए कहना चाहिए, तो यही ठीक है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब सूर्य से मंगल भी अस्त हो सकता है, शुक्र भी अस्त हो सकता है। यदि शुक्र सूर्य से दोनों अस्त हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ। तब शुक्र अस्त अकेला होता तो उससे भी कम प्रभाव, उससे भी कम शुभाशुभ फल, और मंगल भी अस्त हो गया तो उससे भी और कम शुभ फल प्रदान करेंगे, ऐसा हम लोग अपने आप समझते हैं। यदि ऐसा समझेंगे तभी यदि कोई पूछेगा कि क्या धन यहाँ बहुत होगा तो हम कहेंगे नहीं होगा, होगा जितना होगा उतने से उसका काम चलने योग्य ही धन होगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर वो कहे कि हमको हजारों करोड़ की लॉटरी लगेगी या हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ हम जीवन में कमा पाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो ये सब बातों को आपको भली भांति समझना होगा कि ग्रह तात्कालिक रूप से केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने के बाद भी यदि वो दुख स्थान में चले जाते हैं, अब वो किसी भी लग्नों में काम आएगा, यदि वो दुख स्थान में चले जाते हैं तो उसके प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं, शुभ फलों की संभावना जो है वो कम होती है, वो उतने अच्छे नहीं दे पाएंगे। और यही योग यदि नवम स्थान में बन जाता, यही योग यदि पंचम स्थान में बन जाता, यही योग लग्न में भी बन जाता तो भी हम कहते कि बहुत योगप्रद होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम पीछे से आपको बताते आ रहे हैं। और इस तरह से जब हम एक एक लग्नों की बात करेंगे तो आपके पास तो 12 लग्न की ही पत्रिका आनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही सरलतापूर्वक इसको समझ सकते हैं और अब आपके अंदर सामर्थ्य हो रहा होगा कि आप किसी को इस विषय में, ज्योतिष के विषय में कुछ बता सकने में सामर्थ्यवान है। बस पुनः वही बात दोहराएंगे कि क्रम टूटेगा तो ज्योतिष कहीं ना कहीं छूट जाएगा, इसीलिए क्रम मत टूटने दीजिए। क्रम संख्या से हम पढ़ाते हैं, आप भी क्रमानुसार पढ़िए। आपके सामने कोई भी वीडियो उपलब्ध होता है आप पूरा देखते हैं तो उस प्रारंभ में और अंत में हम इस बात को दोहरा ही देते हैं कि क्रम से पढ़ेंगे तो आपको 100% लाभ होगा और आप घर बैठे ज्योतिष बनेंगे। इतना ही हम कहना चाहेंगे आज, इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।